Brought to you by My 11 Circle. Win first prize 1 crore every day. Download the app now. मैंने कहा कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी को आप कैसे असेस करते हैं, बिकॉज ये पहलू हम सबने देखा नहीं हुआ था इससे पहले। जी बिल्कुल, जिस तरह उसके पिछले दो साल ढाई साल रहे हैं, he was mostly injured as well, और I think कमबैक करना और फिर एज अ लीडर एज वेल आप टीम को लीड करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हार्दिक ने जिस तरह टीम को लीड किया, हार्दिक ने जिस तरह सारी टीम को रखा ना, तो बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है। और वो ऐसा प्लेयर है कि वो हारने वाला नहीं कि यार मैं नहीं हो सकता, या तो वो हमेशा कोशिश करता है कि अच्छा करे, टीम के लिए अच्छा करे, मेहनत करता है प्रैक्टिस में, बॉलिंग में कोशिश करता है कि मैं बॉलिंग में भी टीम के लिए अच्छी कारकर्दगी करूं, बैटिंग में भी करूं। तो वो जब लीडरशिप ऐसी होती है और लीडर ऐसा होता है तो ऑटोमेटिकली दैट गिव्स यू लॉट्स ऑफ एनर्जी और आप काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। तो मुझे उनके साथ खेल के बहुत मजा आया, काफी कूल होता है, काम होता है, और आपको अपना जो जॉब होता है वो आपको ही दे दे कि भाई यू नो बेटर देन लाइक यू नो व्हाटएवर यू वांट, यू टेक द रिस्पांसिबिलिटी, यू टेक द ओनरशिप ऑफ योर बॉलिंग। जितने भी हमारे साथ बॉलिंग यूनिट है, हम सारे ज्यादा क्रिकेट के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, तो हमारे लिए एक ऐसी लीडर की जरूरत थी जहां आपको मतलब वो फुल बैक करे, सपोर्ट करे, और जिस तरह उन्होंने अभी तक पूरी कंपटीशन में लीड किया टीम को, बहुत बहुत मजा है उनके साथ खेलने में, और नॉट ओनली इनसाइड द फील्ड आउटसाइड भी जिस तरह सारे को मतलब इकट्ठा रखने की कोशिश करते हैं, जिस तरह पहले भी मैंने बात की, तो बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए, और वो सलाहियत उसमें है जो एक लीडरशिप में होती है। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार, मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप।